वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय शनिदेव। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत कथा। एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं शनिदेव की ओर। आइए सुनते हैं शनि महाराज की कथा। बोलो शनि महाराज की जय। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी सदन राजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनि व्रत कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। अब यहाँ बोला गया है श्रवण करनी चाहिए, मतलब कि सुननी चाहिए। पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन कथा को हमेशा सुनने से अधिक पुण्य मिलता है। तो आइए करते हैं कथा आरंभ। एक बार सभी नौ ग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करूं, क्या निर्णय दूं, जिसके बारे में बोलूंगा वही गुस्सा हो जाएगा। परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, इसका फैसला कर सकते हैं क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय है राजा हैं और कभी झूठ नहीं बोलते। अब सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास आ गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताएंगे वही गुस्सा करेगा, ऐसा ही होता है आजकल भी। अगर हम किसी को किसी से छोटा बता दें तो वो गुस्सा करता है। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पिंतल सीसा रांगा जस्ता भक्कर और लोहों से नौ सिंहासनों का निर्माण करवाया और उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर बैठेगा आसन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनि देव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा तू मुझे नहीं जानता, सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा सवा दो महीने और दो दिन, मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीने बाद बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 6.5 सती आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण के ऊपर 6.5 सती आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया, काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 6.5 सती आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राज्य के राज्य में आए। उनके साथ अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अशोकपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अशोकपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा राजा को सवारी हेतु दे दिया।
राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे सरपट वन की ओर भागने लगा, वह घोड़ा जंगल के अंदर पहुंचकर गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल पड़े। वहाँ एक सेठ की दुकान पर पहुंचे, उन्होंने जल पिया और अपना नाम विक्का बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गए। सेठ के घर में खूंटी पे हार टंगा था जिसको खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था और उसे लगा कि विक्का ने चुराया होगा। सेठ ने विक्का को कोतवाल को पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको विक्का पर दे आ गई। उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। विक्का अपनी जीप से बैलों को हांकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विक्का मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि इस राग को जो गा रहा है उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह तो एक अपंग आदमी है। राजकुमारी, तुम मुझसे शादी कैसे करोगी? अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई और लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी। तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विक्का से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। विक्का से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विक्का के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताया था, दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आँख खुली तो आश्चर्यचकित हो गई। विक्का ने मन भावनी को बताया कि यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। मन भावनी खुशी से फूली नहीं समाई कि अरे, मैंने तो अपंग सोचकर शादी की थी, अब तो मैं रानी बन गई हूँ। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि जब शनिदेव का कोप था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपने कन्या श्री कंवरी से अपने ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शस्त्र स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियां मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आई। सारे नगर में दीपमाल और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया, लेकिन असल में वह सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। बोलो शनि महाराज की जय। तो ये थी हमारी शनिदेव की कथा, लेकिन इसके अलावा हम आपको एक और कथा भी प्रचलित है वो भी सुनाएंगे। तो आज इस वीडियो में शनि महाराज की दो दो कथाएं आप अवश्य सुनिएगा। शनिदेव आप पर कृपा करें, व्रत ना भी हो कथा जरूर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कथा सुनने का एक अपना ही पुण्य होता है। तो चलते हैं दूसरी कथा की ओर। शनि महाराज की जय। एक समय एक ब्राह्मण था पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? शनिचर बोला, आज मैं शनिवार हूँ और आज मैं उस राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा को लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ना की ओटली। नदी के किनारे जाकर बैठ गया, आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। मतीरे मतलब तरबूज। उसने निकाल के घोड़े के नीचे रख लिए।
राजा के लड़कों के सिर बन गए वह तो। क्यों? क्योंकि शनि महाराज के क्रोध ही अब शनिदेव उसको लग गए हैं ना। एक आदमी ने देखा राजा के लड़कों के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा किसी से कहिए मत, ना करे दशा लग रही है। उसने एक से कही, दो से कही, सारी नगरी में फैल गई कि राजा के दोनों लड़कों के सिर ब्राह्मण ने अपने गोडों नीचे दबा रखे हैं। राजा ने आदेश दिया ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दो। सोने की घड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की घड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की घड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की घड़वाई वो भी टूट गई, जो घड़वावे वही टूट जाए। इतनी देर में सवा पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण सूली पर चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे पाप उतरेगा। राजा बोला, जाके देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लगा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जाने था, बोला मैं तो कुछ भी नहीं जानू, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनि महाराज बोले, शनि महाराज मिल गए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, वो बोले राजा को लगने जा रहा हूँ। मैंने बोला राजा को मत लगी, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे को लग जाओ। शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। तो मैंने 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनिदेव टोटा कभी ना आवे, टोटा शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले। 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी भला टल जावे। बोलो शनि महाराज की जय। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कथा और शनि महाराज की। आपको कुछ तो समझ आई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट में दोबारा से समझाती हूँ कि एक बार एक ब्राह्मण देवता जा रहे थे, तो शनिदेव का जो ग्रह था वो राजा को लगने वाला था। लेकिन पहले समय में ये चीज़ें पॉसिबल थी ना, किसी का ग्रह अपने परोट लो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजा को ग्रह नहीं लगना चाहिए शनि का, क्योंकि अगर राजा को दोष लग गया तो पूरी प्रजा दुखी होगी। इसीलिए उसने अपनी ओर ले ली। तो शनिदेव बोले, तेरे से ओटा नहीं जाएगा, ना तो 7 साल का ओट सकता, ना तो 5 साल का ओट सकता, ना तो 2.5 साल का ओट सकता। तो ब्राह्मण बोला कि मैं 1.25 पहर का ओट लूँगा। तो 1.25 पहर का उन पर शनि का प्रकोप आया, जिससे क्या हुआ कि रास्ते में आपने देखा कि 2 मतीरे टंगे हुए थे, वो मतीरे नदी में बहते जा रहे थे, उन्होंने उठा के अपने अपने घुटनों के नीचे दबा लिए। अब किसी ने देख लिया, क्योंकि शनि का प्रकोप है अभी, वो दोनों मतीरे राजा के बच्चों के सिर बन गए। नगर में बात फैल गई कि ब्राह्मण ने अपने घुटनों के नीचे राजा के बच्चे दबा रखे हैं, तो उसको सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। अब वो जाप कर रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जो जाप है, इसको करने से कहते हैं कि शनि का प्रकोप थोड़ा शांत होता है, और उसी की कृपा थी कि उन्होंने सोने चांदी पीतल हर तरह की सूली बनवाई राजा को चढ़ाने, उस ब्राह्मण को चढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारी की सारी टूट रही थी। और इतने में वो 1.25 पहर बीत गया नई सूली बनवाने में, और रानी क्या देखती है कि उनके बच्चे खेलते हुए घर आ गए, तो उनको अफसोस होने लगा कि अरे भाई हमने तो बड़ा अफसोस कर दिया, बड़ी गलती हो गई, हमारे बच्चे तो ठीक ठाक हैं, तो हमने तो ब्राह्मण को सूली पर चढ़वा दिया होगा। जब जाकर देखते हैं तो ब्राह्मण देवता ठीक ठाक पाते हैं, तो वो ब्राह्मण देवता को पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो ब्राह्मण देवता ने राजा को पूरी स्टोरी सुनाई कि आप पर आने वाली बला मैंने अपने पर ली, शनिदेव का प्रकोप था शांत हो गया है, इसमें सोना चांदी पीतल का दान करना चाहिए। तो राजा बोले, ये तो मैं कर सकता हूँ, गरीब क्या करेगा। तभी राजा ने, उसी ब्राह्मण देवता ने बताया कि लोहे का दान पीतल का दान ये तो राजा कर सकता है, अब गरीब के लिए क्या कि वो तेल और गुड़ का दान डकोत को शनिवार को करे, पीपल में 7 बार जल चढ़ाए, इस तरह से शनिदेव की उन पर कृपा बनेगी और उन पर आया हुआ प्रकोप शांत होगा। जय जय शनिदेव। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।